मेरी थोड़ी सी राय शाजी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पहले तो वो क्या एक शेर है कि उस जोदे पशेमा का पशेमा होना, हाँ तो ये तो वो वाला मामला डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा बारीक पॉइंट है समझने वाला, और वो ये है कि ठीक है ये तरामीम हो जाएंगी, हो गई, मैं कहती हूँ हो गई, क्या गारंटी है कि ये जो आज सेटअप चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ये जो एक पेज पे हैं, पहले से एक पेज पे कोई और था, हाँ आज ये हैं, ये ये पेज फट एक नहीं पेज जाएगा। नहीं, एक पेज ऐसे ही चलता रहेगा, पेज फटते नहीं है, पेज बदल दिए जाते हैं, ठीक है, तभी हम उसको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा अर्ज के साथ क्यों भाग रही है मौलाना फजल रहमान के दर पे? क्या मुफाद है पीपल्स पार्टी को जिन्होंने वजारतें नहीं ली अभी तक? क्या मुफाद है उनको कि वो किसी चीज़ में हिस्सा नहीं डाल रहे मगर वो उस पर इंजॉय पूरा पूरा कर रहे हैं, और फिर वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं और वो भी तरामीम के लिए? सर देखें, कोई भी छोटा बच्चा नहीं होता। कल को आपने ठीक है 63A का फैसला हो गया, पुराना वाला कलदम हो गया, अब आपको पता है जो भी फ्लोर क्रॉस करेगा वोट काउंट करेगा, जुर्म होगा, उसके बाद डीसीट हो जाएगा। हर पार्टी में बंदे होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के। कल को एक वजीर आजम का डिस्कस कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आ जाता है, यही पीपल्स पार्टी होगी, यही फ्लोर होगा, यही लोग होंगे, क्या करेंगे? पॉइंट ये है कि आप लोग लॉन्गर रन में ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि जो काम आप कर रहे हैं, सर मेरा वोट, आपका वोट, रेडी वाले का वोट, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। इस वक्त हैसियत ये है कि ये आईनी तरमीम कर ले ताकि हमें 5 साल लिंगर ऑन करने पड़ते। नहीं तो यही तो फिर वो राय साहब कह रहे थे कि इसी वोट को तो हमने पर इम्पोर्टेंट बनाना है कि पॉइंट वोट गिना भी तो सर, जाए, तो डले डले तो गिना भी तो जाए। उसके लिए मंसूर साहब, इनकी कयादत किसकी को, कियादत को? ये पीटीआई की राय साकिब कयादत, साहब की नहीं, पीटीआई की कयादत, ठीक पीटी है, इमरान खान की कयादत, जो भी उन्होंने डिज़ाइन की है कि वो रिप्रेजेंट करेंगे, को स्टेप लेना पड़ेगा। इसीलिए खान साहब कहते हैं रबते बंद करो, अच्छा क्योंकि उनको पता था नहीं और नहीं वो पता है। राबते राबते बंद तो नहीं उस वजह सर, से है कि वो आरिफ अलवी साहब के बकौल की कुंडी अंदर से बंद है और वो खोल नहीं रहे। सर वो खोल नहीं रहे, ये अच्छा तो खटका रहे ना, तो वो कह रहे हैं यार थोड़ी सी इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ होती है यार, कोई बंद वो कर दो तुसी नॉक करना। तो पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ एक जमात को ब्लेम नहीं कर रही, नहीं वो इसपे एक तमाम बड़े लोगों को फरमा इस इस पे एक सिस्टम में। इतराज है, वो ये है कि एक जगह खान साहब को इस बात पे तंकीद की जाती है कि बैठ के बात नहीं करते, दूसरी जगह जब वो कह रहे हैं कि आए बैठ के बात करें तो फिर तुसी बैठ के मजाक उड़ाते हो और जाओ जाके इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, दरवाजा खटखटाना बंद करें। वो करें तो नहीं नहीं करें वो कि फौज फौज के साथ बात सर करना बात चाहते हैं ये ना, नहीं ना सर, करें, नहीं 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 करें करें फौज सर, से। क्या अब प्रॉब्लम ये है, देखें बात ना कि करें, आप कह रहे नहीं ना करें, करें, वो कहते नहीं करें, करें, नहीं करनी करें चाहिए सर, क्यों क्यों नहीं? नहीं करनी अच्छा चाहिए? मेरी बात सुन लें, इसलिए कि इमरान खान साहब की वो जो स्टेटेड पॉलिसी है ना, जो वो कहते हैं कि मैं इनकलाबी हो गया हूँ, हाँ वो असली तौर के ऊपर तो बात वही ठीक है, लेकिन वो हो गया कब कह रहे इनकलाबी। हैं, वो कब कह रहे हैं अच्छा जब उधर से बात नहीं हो रही। ठीक, अब अगर अगला बंदा आप मुझसे बात ही नहीं करना अब चाहते, ये यही बात यहीं पे, ये मार्जिन अगर आप जुल्फिकार अली भुट्टो को देने के लिए तैयार हैं, जो एक डिक्टेटर की कैबिनेट के अंदर बैठ के वजारत संभालते थे और बाद में एक और डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हो गए, तो अगर जब वो खड़े हो गए और जाके फांसी तक भी चढ़ गए तो उस वक्त आप कहते थे कि यार भुट्टो के तेहत्तर साथ का ज्यादती हो नहीं रही है, आज आप उसको अदालती कत्ल नहीं कहते तो हैं। मैं देखें सर सॉरी, माजर के जुल्फकार साथ दोबारा ऐसा कभी ना हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन मुझे बताएं वो चले गए, ये जा सकते हैं?